मॉम्स, वेलकम टू मॉम्स केयर। आई होप आप सब ठीक हो। क्या आपका बेबी बॉटल फीड करते वक्त फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बॉटल फीड करते टाइम वो इरिटेट होकर रोने लगता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि शायद आपकी बेबी की मुंह में प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिल्क नहीं जा रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा मिल्क बेबी की मुंह में जा रहा है जिसकी वजह से उसे फीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शायद आपकी बेबी की फीडिंग बॉटल की जो निप्पल है वो प्रॉपर नहीं है जिसकी वजह से बेबी को फीड करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर बॉटल फीड बेबीज के लिए शुरू से ही एक प्रॉपर निप्पल चूज ना किया जाए, यूज ना किया जाए, तो बेबी को फ्यूचर में टीथ प्रॉब्लम या गम प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए बेबी के लिए एक प्रॉपर फीडिंग बॉटल का चूज करना जितना जरूरी है, एक प्रॉपर फीडिंग बॉटल निप्पल को चूज करना भी उतना ही जरूरी है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में ये डिस्कस किया था कि आप अपनी बेबी के लिए कैसे एक बेस्ट फीडिंग बॉटल चूज कर सकते हो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा या फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हो। तो आज हम बेबी की फीडिंग बॉटल निपल्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको आसानी हो बेबी के लिए एक प्रॉपर फीडिंग बॉटल निपल को चूज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेबी फीडिंग बॉटल निपल्स की मटेरियल के बारे में बात करते हैं। मटेरियल के हिसाब से निपल्स दो तरह के होते हैं, सिलिकॉन निपल्स और लेटेक्स निपल्स। सिलिकॉन निपल्स आर मेड ऑफ ए क्लियर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल। सिलिकॉन निपल्स इजीली क्लीन किया जा सकता है, स्टेरिलाइज किया जा सकता है। सिलिकॉन निपल्स जो है वो बहुत दिनों तक चलता है और अपने शेप को बहुत दिनों तक होल्ड करके रख सकता है। इसलिए यूजुअली बहुत सारे मॉम्स सिलिकॉन निपल्स प्रेफर करते हैं। कुछ बेबीज ऐसे होते हैं कि निपल्स को चीविंग करते हैं। सिलिकॉन निपल्स को बेबीज अगर चीविंग करे तो भी ये निपल बहुत दिनों तक चलता है, ज्यादा हार्म नहीं होता। इसलिए मदर्स जो है वो पहले प्रेफर करते हैं सिलिकॉन निपल्स को यूज करना। लैटेक्स निपल गोल्डन येलो कलर का होता है और ये सॉफ्टर होता है सिलिकॉन निपल्स से। लैटेक्स निपल स्ट्रेचेबल होता है जिसकी वजह से बेबी की मुंह की वजह बेबी की गले में डायरेक्ट मिल्क चला जाता है, और स्ट्रेचेबल होने के कारण लैटेक्स निपल बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है या फिर क्लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। बेबी बॉटल निपल्स जो है वो शेप के हिसाब से भी कई तरह के होते हैं, जैसे कि नंबर वन ट्रेडिशनल बेल शेप्ड निपल। इस टाइप के निपल्स में छोटा, बड़ा या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज का होल मिलता है। छोटा होल वाला निपल न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज किया जाता है और बड़ा होल वाला निपल जो है वो अफ्टर 6 मंथ की बेबीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर बेबीज को जूस या सूप पिलाने के लिए भी जो बड़ा होल वाला निपल है वो यूज किया जाता है। नंबर टू नेचुरली शेप्ड निपल। This type of nipples mimic mother's nipple. और इस निपल का जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है। तो अगर आप अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड से फॉर्मूला फीड में शिफ्ट करने जा रहे हो तो ये निपल आपके बेबी के लिए बेस्ट है। नंबर थ्री एंटी वैक्यूम और वेंटेड निपल। कुछ बेबीज ऐसे होते हैं कि फीड करते टाइम एयर सक कर लेते हैं जिसकी वजह से फीड करने के बाद बेबीज को कॉलिक पेन या गैस जैसी प्रॉब्लम होती है। इस टाइप की निपल्स की साइड में एक वेंट होता है जो बेबी बॉटल के अंदर वैक्यूम और बबल बिल्डअप होने नहीं देता। तो अगर आपका बेबी भी फीड करते टाइम हवा सक कर लेता है तो आप ये निपल यूज कर सकते हो, इससे बेबी को गैस या कॉलिक पेन जैसी प्रॉब्लम्स से थोड़ी राहत मिलेगी। नंबर फोर ऑर्थोडोंटिक निपल्स। इस निपल का शेप एक नेचुरल निपल की शेप की तरह होता है जो बेबी की मुंह में अच्छे से फिट हो जाता है। तो बेबी जब इस निपल में फीड करता है तो बेबी को एक नेचुरली फील आता है, और ये बिलीव किया जाता है कि ये निपल टंग थ्रस्टिंग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बेबी की बाइट प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करता है। ये थी शेप के हिसाब से डिफरेंट काइंड्स ऑफ निपल्स। साइज के हिसाब से निपल्स जो है वो दो तरह की होता है। साइज वन जो न्यूबॉर्न बेबीज के लिए यूज किया जाता है, एंड दिस निपल्स हैव वन स्मॉल होल। एंड साइज टू दिस निपल्स हैव ए लार्जर होल, और ये निपल्स आफ्टर 6 मंथ की बेबीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप अपने बेबी को जूस या सूप पिलाने के लिए भी आप ये निपल यूज कर सकते हो, क्योंकि इस निपल में जो होल है वो बड़ा होता है, इस वजह से सूप या जूस आसानी से बेबी पी सकता है। बेबी की फीडिंग बॉटल्स की निपल्स जो है वो फ्लो के हिसाब से भी डिफरेंट तरह की होता है, जैसे कि नंबर वन स्लो फ्लो। न्यूबॉर्न बेबीज के लिए ये स्लो फ्लो वाला निपल यूज किया जाता है। नंबर टू मीडियम फ्लो निपल्स।
ये निपल्स 3 to 6 मंथ की बेबीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप आफ्टर 6 मंथ की बेबीज के लिए भी ये मीडियम फ्लो वाला निपल यूज कर सकते हो। एंड नंबर 3, फर्स्ट फ्लो निपल्स, जो आफ्टर 6 मंथ की बेबीज के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप अपनी बेबी को जूस या सूप पिलाने के लिए भी ये फर्स्ट फ्लो वाला निपल्स यूज कर सकते हो। तो ये थी डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेबी फीडिंग बॉटल निपल्स। आप इनमें से कोई भी निपल अपनी बेबी के लिए चूज कर सकते हो, लेकिन आप अपनी बेबी के लिए जो भी फीडिंग बॉटल निपल चूज कर रहे हो वो प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। बेबी के लिए फीडिंग बॉटल निपल चूज करते टाइम कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि आप जिस ब्रांड का फीडिंग बॉटल बेबी के लिए यूज कर रहे हो उस ब्रांड का ही निपल यूज करना बेस्ट है, ताकि निपल जो है वो फीडिंग बॉटल में अच्छे से फिट हो जाए, लीक ना हो। जो बेबीज ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फीड दो ही करते हैं उन बेबीज के लिए स्लो फ्लो वाला निपल ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज ब्रेस्ट फीड करते टाइम बहुत मेहनत करते हैं, तो उनके लिए स्लो फ्लो वाला निपल ही यूज करना बेस्ट है। बॉटल और निपल को यूज करने से पहले ऑलवेज उसे अच्छे से वॉश करना और स्टेरिलाइज करना बहुत जरूरी है। आप बॉटल को और निपल को अच्छे से वॉश करो, स्टेरिलाइज करो, फिर बेबी को खिलाओ। अगर आप नया खरीद के लाए हो तो भी आपको स्टेरिलाइज करना चाहिए, उसके बाद ही बेबी के लिए यूज करना चाहिए। एक निपल को बहुत दिनों तक यूज करना नहीं चाहिए, टाइम टू टाइम चेंज कर लेना चाहिए। ये आपको खुद समझना होगा कि आपकी बेबी की जो फीडिंग बॉटल की निपल है वो कब क्रैक हो गया है या कब आप उसे यूज नहीं किया जा सकता, ये आप खुद फील कर भी पाओगे। तो टाइम टू टाइम जो है बेबी की फीडिंग बॉटल की निपल को चेंज करते रहना चाहिए। एक निपल को बहुत दिनों तक बेबी के लिए यूज नहीं करना चाहिए। तो ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेबी फीडिंग बॉटल निपल्स। आप अपनी बेबी की फीडिंग के लिए जो बेस्ट फीडिंग बॉटल निपल है वही यूज करो। हम सब अपनी बेबी को हमेशा बेस्ट चीज ही प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी आपकी बेबी के लिए एक प्रॉपर बेबी फीडिंग बॉटल निपल चूज करने में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, थोड़ा हेल्पफुल लगा है, तो एक लाइक जरूर कर देना। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और अगर आप नए हो, मॉम्स केयर को पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना और सबके साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।